हे दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिजाइन स्टडी। तो आज हम तो देखने वाले हैं कंप्लीट ड्राफ्टिंग का लेक्चर, जो कि एनएक्स यूनो ग्राफिक्स में रहेगा। तो कंप्लीट ड्राफ्टिंग करेंगे आज, और एक कंपोनेंट को लेकर उसको देखेंगे कि किस तरह से उसकी ड्राफ्टिंग करते हैं। तो प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन का कंप्लीट कोर्स अगर आपको करना है, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं, प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन का कोर्स अगर आपको कंप्लीट करना है तो 8871511975 पे व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, जिससे मैं आपको सिलेबस सेंड कर दूँ। तो आप उसको सिलेबस को चेकआउट करके देख सकते हो कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें रहेंगी। ठीक है, एनएक्स यूनो ग्राफिक्स कैड सॉफ्टवेयर का नॉलेज आपको होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आज मैं क्लासेस लेने वाला हूँ, जो कि 2 PM से स्टार्ट होगी। देखिए, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप लेक्चर के दौरान लाइव चैटिंग कर सको। ठीक है, और अगर इसको कोर्स को अगर ज्वाइन करना है तो लिमिटेड सीटें हैं, आप कर सकते हो। 500 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन फीस है फॉर ज्वाइनिंग और फॉर सिक्योरिंग सीट। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक GDNT का लेक्चर है कहीं पर। GDNT ठीक है। देखो, GDNT मतलब क्या होता है, बेसिकली ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग। ठीक है, ठीक है। अगर डिजाइन को अगर आपको समझना है, डिजाइन में अगर बोल सकते हो कि आपकी जो डिजाइन है वो सही तरीके से रिप्रेजेंट हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको GDNT का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, आवाज आ रही है ना? तो GDNT की हेल्प से आप मैन्युफैक्चरिंग को आसान बना सकते हो। ठीक है, डायमेंशंस को कंट्रोल कर सकते हो और डायमेंशन को एक्यूरेट बना सकते हो, मेन चीज ये है। ठीक है, मतलब एक लिमिट में बनते हैं डायमेंशन, और उस चीज को GDNT को देना जरूरी होता है। ठीक है, देखो, सबसे पहले GDNT में होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस कितनी तरह के होते हैं? यूनिलेटरल, अनइक्वल बायलेटरल और इक्वल बायलेटरल, जिसको बोलते हैं बेसिकली बायलेटरल भी बोलते हैं, सिर्फ बायलेटरल, बाइलेटरल, यूनिलेटरल और अनइक्वल बाइलेटरल। अगर मैं इसको बोलूं कि अगर इसको एक ही मेरे को लिमिट देनी है, प्लस में और माइनस में, जो 50 का जो डायमेंशन दिख रहा है ना यहाँ पर, इसको बोलेंगे बेस डायमेंशन। क्या बोलेंगे? बेस डायमेंशन। प्लस माइनस 0.05, 0.05 मतलब कितना हुआ माइक्रोन में? कितना हुआ माइक्रोन में? अगर 0.05 mm अगर मैं बात करूं तो माइक्रोन में कितना हुआ ये? बताओ, 1 mm होता है, वो होता है 1000 माइक्रोन। कितना होता है? 1 mm होता है 1000 माइक्रोन। ठीक है, अगर मैं 0.05 बोलूं तो 0.05 मतलब कितना माइक्रोन हो गया? मतलब 1000 माइक्रोन। मतलब 0.01 होता तो कितना होता? 100 माइक्रोन होता। 0.05 है तो कितना हो गया? 50 माइक्रोन। अगर 0.001 होता तो कितना होगा? तो होगा 1 माइक्रोन, है ना? देखो, 0.001 कितना हो गया? 1 माइक्रोन। 2 कितना हुआ? 2 माइक्रोन। अगर मैं एक जीरो हटा दूं और 10 लिख दूं तो कितना हुआ? 10 माइक्रोन। अगर जीरो हटा दूं तो भी 10 माइक्रोन। ठीक है, अगर मैं यहां पर 1 लिख दूं तो कितना हो गया? 100 माइक्रोन। अगर मैं इसको 1 लिख दूं तो ये कितना हो गया? 1000 माइक्रोन। ठीक है, चलो, तो यहां पर हमारे पास टॉलरेंस है। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या है? लिमिट्स हैं। ठीक है, इसको लिमिट्स बोल सकते हो, टॉलरेंस बोल सकते हो। बेसिकली क्या है? अपर लिमिट, मैक्सिमम और मिनिमम जो लिमिट होती है ना, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं टॉलरेंस। ठीक है, देखो यहां पर अनइक्वल बायलेटरल टॉलरेंस दिख रहे हैं यहां पर, प्लस माइनस 0.05 मतलब 50 माइक्रोन का इसमें मैंने टॉलरेंस दिया है, प्लस में और माइनस में। तो इसकी अपर और लोअर लिमिट क्या हुई? मतलब 50 mm माइनस 50 माइक्रोन। ठीक है, और 50 mm प्लस 50 माइक्रोन। ठीक है, तो इसका टोटल मतलब लिमिट कितनी हुई? 100 mm, 100 माइक्रोन की हुई ना। मतलब 100 माइक्रोन के बीच में अगर मैं इसको अगर बनाऊंगा ना, तो ये चीज हो जाएगी पास। मतलब बोल सकते हो कि ये पास हो जाएगा, ये डायमेंशन अगर मेरा इतना आ रहा है कि 50 प्लस माइनस 0.05 के बीच में अगर आएगा ना, तो ये मेरा जो पार्ट है वो पीस है, वो पास हो जाएगा। ठीक
है ना, क्वालिटी में। अच्छा, यूनिलेटरल सिर्फ एक तरफ डायमेंशन देना। यूनिलेटरल मतलब ऐसा नहीं है कि यहां पर प्लस लिखा है तो सिर्फ प्लस में ही डायमेंशन जाएगा, माइनस में भी जा सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा है कि अगर मैं 50 का अगर मुझे डायमेंशन देना है तो मुझे लीनियर डायमेंशन तो चाहिए कि 50 हो, लेकिन वो प्लस में 0 0 हो और माइनस में 50 माइक्रोन तक जा सकता है। मान के चलो किसी फिटमेंट का फीमेल पार्ट है, सॉरी मेल पार्ट है, ठीक है, तो उसके डायमेंशन अगर मेरे को देना है तो माइनस में देना पड़ेंगे, प्लस में तो मुझे 0 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि प्लस में अगर मैंने ज्यादा दे दिया तो वो उसके अंदर हमको ठोकना पड़ेगा। आया समझ में, है ना? कुछ कुछ समझना है, मतलब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है अनइक्वल बाइलेटरल, जिसमें प्लस में अलग वैल्यू माइनस में अलग वैल्यू होती है, जिसमें प्लस में अलग वैल्यू माइनस में अलग वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये भी हमको देना पड़ता है। अधिकतर ये वाले जो डायमेंशन होते हैं ना, ये हमको शाफ्ट में, और जैसे मोटर डिजाइन होता है ना, मोटर डिजाइन के अंदर हमको प्रोवाइड कराना होता है, क्योंकि वहां पर कई ऐसे डायमेंशन होते हैं जहाँ कहीं पर बेरिंग लगाना पड़ती है, ठीक है, और कहीं पर हमको उसके कैसिंग लगाना पड़ती है, कहीं पर उसको आर्मेचर फिट करना पड़ता है, कहीं उसका कोर लगाना पड़ता है, तो उसके लिए फिटमेंट जो हमको रखना पड़ती है ना शाफ्ट की, अलग अलग डायमेंशन रखना पड़ता है शाफ्ट के लिए। ठीक है, मेरे पास अगर अभी शाफ्ट होती, शाफ्ट की ड्रॉइंग होती तो मैं आपको बताता, है ना? ठीक है, तो समझ में आया? ये जीडीएनटी सिंबल्स, जीडीएनटी सिंबल्स मतलब ज्योमेट्री, उसके ऊपर क्या क्या है। जैसे कि मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसके अंदर कुछ फ्लैटनेस है, तो फ्लैटनेस किसी टॉलरेंस में रहेगी। ठीक है, स्ट्रेटनेस है, स्ट्रेटनेस भी 1.2 सेकेंड पॉइंट क्या रहेगी, टॉलरेंस में रहेगी, कि स्ट्रेटनेस बिल्कुल एकदम तो सही नहीं होती। अगर मैं बोलूँ अगर फ्लैटनेस की, कोई भी चीज एकदम फ्लैट होती है क्या, कभी नहीं हो सकती ना। उसका मिनिमम और मैक्सिमम जो पॉइंट होगा उसके बीच में कुछ ना कुछ टॉलरेंस होगा, कुछ ना कुछ लिमिट होगी, कुछ ना कुछ डायमेंशन होंगे उसके। ठीक है, तो वो उसका क्या होगा, टॉलरेंस बन जाएगा। ठीक है, सर्कुलरिटी कोई कितनी गोल है, क्या एकदम कोई गोल हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसको हमको ये रिलेशन देना पड़ेगा कि सर्कुलर होना चाहिए, लेकिन कितना सर्कुलर होना चाहिए, उसकी लिमिट कितनी है ना। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो सर्कुलरिटी वाला जो पॉइंट है वो 10 माइक्रोन में, 20 माइक्रोन में, 50 माइक्रोन में, जितना भी हमको देना है वो टॉलरेंस हम दे सकते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिसिटी, कोई एकदम सिलेंड्रिसिटी नहीं, सिलेंड्रिसिटी नहीं हो सकती। बेसिकली इसके सिंबल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है, रन आउट और टोटल रन आउट। अच्छा, रन आउट क्या होता है कुछ पता है? सर्कल अगर एक पॉइंट पे घूम रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सर्कल बनाऊं, 2 मिनट रुकिएगा, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डी। जैसे कि अगर मैं यहां पर सर्कल बनाऊं, देखो ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल, अगर ये सर्कल का एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है, तो सर्कल के सेंटर पॉइंट पे ये सर्कल घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। तो डिस्क क्या है, कभी कभी आपने टायर देखा है, टायर कैसा वो होता है, मतलब अगर ढीला होता है तो कैसा वो बल खाता है, मतलब हिलता है, हिलता है ना टायर। जैसे आपका गाड़ी का टायर रहता है, अगर वो अच्छे से कसा हुआ नहीं होता तो वो हिलता है ना इस तरह से। हाँ, तो वो बेसिकली उसी चीज को बोलते हैं रन आउट, क्योंकि उसमें सेंटर में से डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर सेंटर से अगर उसको ठीक से कस दिया जाए तो उसकी वो चीज खत्म हो जाएगी, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो रन आउट है, सर्कुलर रन आउट, ये होता है किसके लिए, 2D के लिए। अगर मैं बात करूं मतलब सर्कल के लिए, एक डिस्क के लिए, ठीक है, और अगर टोटल रन आउट की बात करूं तो टोटल रन आउट होता है सिलेंडर के लिए, मतलब दोनों पॉइंट किसी सिलेंडर का, मान के चलो ये सिलेंडर है मेरे पास, ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, ठीक है, और इसका जो ये वाला टॉप व्यू होगा वो कैसा दिखेगा हमको, वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये सिलेंडर का ये वाला पॉइंट फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों एक ही एक्सिस में होना चाहिए, दोनों एक ही एक्सिस में इसका टॉलरेंस होना चाहिए। मतलब टॉलरेंस ये वाला पॉइंट से ये वाले पॉइंट की जो लीनियर या वर्टिकल डिस्टेंस होगी ना, वो 50 माइक्रोन, 100 माइक्रोन, जो भी आप टॉलरेंस होगे वो होना चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा ओवल होगा, मतलब जितना ज्यादा ये डिस्टेंस बढ़ेगी, उतना ज्यादा ये उस तरह से घूमेगा जिस तरह से आपका टायर रोटेट करता है कि नहीं? मतलब उसके अंदर डिसबैलेंस आएगा, आएगा ना डिसबैलेंस। तो सर्कुलर रन आउट और टोटल रन आउट बेसिकली डिसबैलेंस को रोकने के लिए एक डायमेंशन कंट्रोल बोल सकते हो। ठीक है, ये आपके काम आएगा कभी, है ना, कभी काम आएगा आपके, ये इसको ध्यान देना थोड़ा सा।
पैरेललिज्म परपेंडिकुलर एंगुलरिटी है, एक फेस दूसरे फेस के परपेंडिकुलर रहेगा, एक फेस दूसरे फेस के पैरेलल रहेगा। एंगुलरिटी एक एक फेस दूसरे फेस के कितने एंगल पे है, कितने एंगल पे है, ठीक है। पोजीशन किसी होल की पोजीशन के लिए, कॉन्सेंट्रिसिटी एक सर्कल का पॉइंट दूसरे सर्कल के पॉइंट के सेंटर में रहेगा। कॉन्सेंट्रिसिटी वाला देखा था ना जीडी, उसमें ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट में, ठीक है ना। सिमेट्रिक, एक लाइन लाइन के ऊपर दूसरी लाइन सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये बेसिकली जीडीएनटी सिंबल है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम कंट्रोल फीचर फ्रेम में। किसमें इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल फीचर फ्रेम में। ये रहा कंट्रोल फीचर फ्रेम, जैसे कि यहां पर देखो ये वाला पोजिशन दिख रहा है, ये ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक सिंबल है। देखो यहां पर, यहां ये वाला सिंबल देंगे हम, कोई सा भी सिंबल जो आप दोगे, मैं आप देख के बताऊंगा अभी ड्राफ्टिंग में, ठीक है। चलो उसके बाद यहां पर देंगे टॉलरेंस, ठीक है। यहां पर ये है मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, ये है डेटम जिसके साथ रेफरेंस देना है हमको। अभी शायद सर के ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कैसे होता है, ठीक है। हमारे पास फिट्स होते हैं, फिट्स कितने तरह के होते हैं, फिट्स बेसिकली तीन तरह के होते हैं, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट, ठीक है। क्लियरेंस फिट में क्या होता है कि बेसिकली फिट किसके 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 बीच में देते हैं बताओ, होल और शाफ्ट के बीच में देते हैं। मतलब बेसिकली दो चीजों को अगर हमको फिट करना है तो एक होल हुआ एक शाफ्ट हुआ, वो या रेक्टेंगुलर शेप का हुआ या सर्कुलर शेप का हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। नहीं समझ आया, शाफ्ट मतलब, ओके शाफ्ट मतलब होता है कोई आपने रॉड ले ली, रॉड, ठीक है, वो हो गई शाफ्ट। और कोई ऐसा एक बुश जैसा ले लिया जिसके अंदर आपको रॉड को डालना है, तो वो हो गया होल, ठीक है। मतलब एक होल हो गया, छेद हो गया, जिसके अंदर आपको एक शाफ्ट को डालना है, ओके। तो इतना सा है। तो बेसिकली मान के चलो कि दो चीजें हैं, एक आपके पास होल है, तो ये वाला जो हैशिंग वाला एरिया दिख रहा है ना, ये क्या है, होल है, ठीक है। और ये वाला जो दिख रहा है, ये क्या है, शाफ्ट है, ओके। शाफ्ट की देखो ये एज से लाइन दिख रही है बनी हुई, यहां पर ये बता रहा है क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट मतलब होल और शाफ्ट के बीच में गैप है। इंटरफेरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट मतलब दोनों शाफ्ट होल के अंदर इंटरफेयर कर रहा है, मतलब इसको आपको ठोकना पड़ेगा, प्रेस फिट करना पड़ेगा, मतलब आपको इसको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तभी ये शाफ्ट इसके अंदर जाने वाली है कि नहीं। एक है ट्रांजिशन फिट, ट्रांजिशन फिट मतलब ऐसा कि बहुत कम गैप है दोनों के बीच में, मतलब थोड़ा सा है लेकिन कम गैप है, कि आपको थोड़ा सा हैमर से धीरे से या फिर पुश करना पड़ेगा हाथ से और ये अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट, इसके क्या अलग अलग फिट्स होते हैं। फिट्स मतलब इसके रिलेशन होते हैं, जैसे कि होल को हम लोग कैपिटल अक्षर से दर्शाते हैं और जो शाफ्ट होती है उसको हम स्मॉल अक्षर से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये G6 की कुछ वैल्यू है। वेस्टरमन टेबल देखी कभी आपने, हम लोगों ने इंजीनियरिंग में पढ़ी थी, सेकेंड सेमेस्टर में, नहीं। देखो शाफ्ट स्मॉल अक्षर आप मान के चलो, शाफ्ट के लिए S7, ठीक है। ये बेसिकली S7 और G6 की वैल्यू डिपेंड करती है बेस डायमेंशन के ऊपर, जो भी इसका बेस डायमेंशन होगा ना उसके ऊपर इसकी कैलकुलेशन होती है। बेसिकली कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है आपको, आप वेस्टर्मन टेबल को उठाओगे ना तो आप वैल्यू देख के डायरेक्ट आप S7 और G6 की वैल्यू निकाल सकते हो। माइक्रोन में इसकी वैल्यू होती है 20 माइक्रोन, 25 माइक्रोन, ऐसी कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। इतना आया कि नहीं समझ में आपको, चलो ठीक है, इसको एक काम करते हैं कि आज नरेंद्र जी नहीं आए हैं, ठीक है। चलो ड्राफ्टिंग देखते हैं। ड्राफ्टिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट ले लेता हूँ, ठीक है। कौन सा कंपोनेंट ले लूँ, एक फैन बॉक्स मॉडल को ले लेता हूँ मैं, इसको कर देते हैं, ओके। ठीक है, देखो ये मॉडल आ गया मेरे पास, इसकी क्या करना है हमको, ड्राफ्टिंग करनी है। क्या करनी है, मैन्युफैक्चरिंग ड्राफ्टिंग करनी है। मैं साथ में आपको वो भी बताता जाऊंगा,
ये कमांड्स भी बताता जाऊंगा, इसकी ड्राफ्टिंग भी करते जाऊंगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट डी इसका होता है शॉर्टकट की, कंट्रोल शिफ्ट डी, ठीक है। यहां से भी आप इसको खोल सकते हो ड्राफ्टिंग को, यहां से ये ड्राफ्टिंग, ये ड्राफ्टिंग खुल गया, ठीक है। पूछता है सबसे पहला जो वो आता है डायलॉग बॉक्स, उसमें आता है शीट, शीट यूज टेम्पलेट, स्टैंडर्ड साइज और कस्टम साइज, कौन सी आपको चाहिए। टेम्पलेट अगर यूज करोगे तो जो एनेक्स यूनिग्राफिक्स का जो टेम्पलेट है वो साथ में आ जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड साइज लोगे तो स्टैंडर्ड साइज ले लो, साइज क्या होते हैं, A4, A3, A2, A1, A0, ठीक है। अगर देखा जाए तो A4 का दुगना जो रहता है ना वो A3 रहता है, देखो A3 का जो दुगना रहता है वो A2 रहता है, A2 का जो दुगना रहता है A1 रहता है, A0 सबसे बड़ी शीट होती है, ठीक है। हम लोग कौन सा यूज करते हैं प्रिंटर में, A4 साइज यूज करते हैं, तो की करते हैं जो कि 210 mm इंटू 297 mm होता है, ठीक है। चलो तो यहां पर मैं एक काम करता हूँ, A3 शीट ले लेता हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड साइज, कस्टम साइज, कस्टम में आप अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हो, हाइट एंड विड्थ, हाइट एंड लेंथ अपने हिसाब से ले सकते हो, तो मुझे स्टैंडर्ड लेना है, स्टैंडर्ड ले लेता हूँ, A3 शीट ले ली मैंने। स्केल, स्केल उसका कितना रखना है, 1:1 रखना है, स्केल मतलब समझते हो, स्केल उसका क्या रखना है, 1:1 रखना है, 1:1 रख लेते हैं। और यहां से होता है एंगल, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, थर्ड एंगल ले लो या फर्स्ट एंगल ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलीमीटर यूनिट, मिलीमीटर में हमको सभी डायमेंशंस चाहिए, ठीक है। इसको कर दिया मैंने ओके, अब हमारे पास शीट बन के तैयार हो गई, इसमें से मैं क्या कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। देखो शीट बन के तैयार हो गई, ये शीट हमारी रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब जब हमने शीट ली थी, एक काम करता हूँ मैं, इसको फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ और न्यू शीट लेता हूँ, ठीक है। अब जब मैं इसको शीट को लेता हूँ यहाँ से और इसको मैंने ओके किया, जैसे शीट को मैं लेता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, व्यू क्रिएशन विजार्ड आता है, ठीक है, व्यू क्रिएशन विजार्ड। लेकिन कंट्रोल जेड करके फिर जाते हैं और फिर मैं न्यू शीट लेता हूँ। अगर यूज टेम्पलेट, टेम्पलेट अगर लेता हूँ तो टेम्पलेट में क्या आता है, टाइटल ब्लॉक के अंदर कुछ सेटिंग होती है तो वो वाली चीजें हमको पहले दिखेंगी। देखो A3 नाम की शीट ले लेता हूँ मैं, इसको ओके कर देता हूँ मैं, तो देखो क्या आता है मेरे पास, पॉपुलर टाइटल ब्लॉक आएगा, ये आ गया पॉपुलर टाइटल ब्लॉक। ये क्या होता है, फर्स्ट इशू, यहाँ पर नाम लिख दो, फर्स्ट इशू किसको इशू करना है, जिसको भी इशू करना है, ठीक है, उसका नाम लिख दो। ड्रॉन बाय किसने बनाया, संजय। चेक्ड बाय किसने, नाम लिख देते किसी का भी, ठीक है। और अप्रूव बाय किसका भी नाम लिख दो, ठीक है, जो भी आपके बॉस वगैरह हैं, जो भी आपके कलीग्स वगैरह हैं, और यहां से कर दो क्लोज। तो यहां पर जब आप इसको फीड करोगे, फीड करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली नेम वगैरह और ये सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये स्केल वगैरह बन चुका है, यहाँ पर टाइटल ब्लॉक बन चुका है, ये सब चीजें बन के तैयार हो गई है, ठीक है। चलो फिर से कंट्रोल जेड कर देते हैं, वैसे न्यू शीट ले लेते हैं, यहाँ पर A3 शीट स्टैंडर्ड साइज ले लेता हूँ मैं, A3 शीट ले लेता हूँ और थर्ड एंगल पोजिशन में इसको कर देते हैं ओके। अब जब मैंने ये लिया तो क्या आएगा मेरे पास, व्यू क्रिएशन विजार्ड, ठीक है, क्या आता है, व्यू क्रिएशन विजार्ड, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन है, मैं बता देता हूँ आपको, देखो यहां से पार्ट है, पार्ट लेना है, इसकी जगह कोई दूसरा पार्ट लेना है तो वो भी पार्ट ले सकते हो, ठीक है। तो यहां से अगर मेरे पास अभी पहले से पार्ट अवेलेबल है तो यहां पर ये सिलेक्ट कर रहा है इसको, ठीक है। यहां पर है ऑप्शन, यहां से कुछ सेटिंग करना हो तो बाकी सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली अगर आपको, अगर इसको वायर फ्रेम में लेना है, देखो वायर फ्रेम में ले लो, इसको बॉर्डर में लेना है तो बॉर्डर में ले लो, बाकी वायर फ्रेम में लेना हो वायर फ्रेम में ले लो, हेडन में लेना हो तो हेडन में ले लो, बाकी शेडेड रहने देते हैं अभी, ठीक है। चलो उसके बाद है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में मतलब पहला आपको व्यू कौन सा लेना है, फ्रंट टाइप मतलब राइट लेना है, बैक लेना है, बॉटम लेना है, लेफ्ट लेना है, आइसोमेट्रिक लेना है और ट्राइमेट्रिक लेना है, जो भी व्यू लेना है उस व्यू को आप ले सकते हो, ठीक है। ये देखो जो भी व्यू लेना है उस व्यू को आप ले सकते हो, तो मैं आपने जो मॉडल व्यू पहला वाला लिया है ना उसी व्यू को आपको टॉप व्यू बनाना पड़ेगा, उसी व्यू को आपको बोल सकते हो आपका बेस व्यू वही रहेगा, उसी को वो आधार बना के सभी व्यू को बनाएगा। अगर मैं पहला वाला व्यू ये लेता हूँ तो इसी को आधार बना के इसका साइड बनाएगा और इसका टॉप बनाएगा और इसका बॉटम बनाएगा, सभी चीज करेगा, ठीक है। तो अगर मुझे ये लेना है तो ये ले सकता हूँ, ठीक है। अब लेआउट, लेआउट पे क्लिक करते हैं,
ठीक है। अब जैसे कि मैंने एक व्यू लिया है, सेंटर वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, पेरेंट व्यू, तो पेरेंट व्यू यही है ओरिएंटेशन वाला जो मैंने लिया है, ठीक है। तो सेंटर में भी सिर्फ एक दिखा रहा है। अगर मुझे इसका साइड चाहिए, देखो ये साइड आ गया। अगर मुझे इसका टॉप चाहिए तो देखो टॉप आ गया, ये रहा। अगर मुझे इसका यहाँ पर बॉटम चाहिए तो देखो बॉटम व्यू भी आ गया, ठीक है। यहाँ से देखो एक और व्यू ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं। देखो सभी व्यू आके तैयार हो गए, ठीक है। आइसोमेट्रिक भी आ गया, ये देखो बैक व्यू भी आ गया, सभी आ गया। यहाँ से इसको 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 हटा देते हैं, ठीक है। इतने व्यू चाहिए फॉर एग्जाम्पल मेरे को, ठीक है। अगर नहीं जरूरत है तो हटा दो, सिर्फ एक चाहिए, ये भी नहीं चाहिए तो इसको भी कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल, ठीक है। उसके बाद है बेस व्यू। चलो बेस व्यू का इस्तेमाल करते हैं। ये रहा बेस व्यू, बेस व्यू लिया, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको वो ले लेगा, ठीक है। यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं शीट के ऊपर, शीट की थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं, A2 ले लेते हैं, और यहाँ से लिया बेस व्यू। बेस व्यू जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो बाय डिफॉल्ट अपने आप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसका ओरिएंटेशन चेंज करना है, इसको घुमाना है, इसको कुछ और रखना है, तो यहाँ से इसका ओरिएंटेशन चेंज कर देते, छोटी सी विंडो खुल जाएगी, ठीक है। मेरे को रखना है इसको इस तरह से, ठीक है। इसको कर दिया मैंने ओके, चलो यहाँ से इसको कर दिया ओके। इसकी हाइट इसको और बढ़ा देते हैं, A1 ले लेते हैं, ओके कर दिया, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं, ऐसा व्यू रहने देते हैं। यहाँ से इसका व्यू को चेंज करते हैं, देखो ये ऐसा व्यू ले लेता हूँ, ठीक है। इसको कर दिया मैंने ओके, यहाँ से कर दिया इसको क्लिक, ठीक है। इसका स्केल लेना है, स्केल कितना लेना है, 1:1 या फिर जितना भी लेना है आप इसका स्केल को ले सकते हो, ठीक है। अभी कंट्रोल जेड कर देता हूँ, फिर से जाता हूँ बेस व्यू, ठीक है। यहाँ पर देखो इसका स्केल बताता है ना, 1:1 लेना है, 5:1 लेना है। अगर मैं 1:1 रहने देता हूँ तो 1:1 में कैसा दिखेगा, जो एक्चुअल साइज है वही दिखेगा। लेकिन अगर मैं 2:1 कर देता हूँ, देखो बड़ा हो गया। 1:2 कर देता हूँ तो देखो हाफ हो गया, मतलब 1/2, मतलब 0.5 स्केल हो गया उसका, ठीक है। 1:1 उसका एक्चुअल साइज, इसको कर दिया मैंने ओके, ठीक है। ठीक है, अब जैसे मैंने बेस व्यू लिया तो बेस व्यू के साथ क्या आता है बताता हूँ। बेस व्यू के साथ जैसे बेस व्यू लेते हो आप, तो क्या आता है, प्रोजेक्टेड व्यू बाय डिफॉल्ट अपने आप आ जाता है। किसका प्रोजेक्टेड व्यू आपको लेना है, यहाँ पर लेना है, यहाँ पर लेना है, अपने आप आ जाएगा, उसको आपको कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल जेड कर देता हूँ, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ठीक है। चलो अब बेस व्यू ले लेते हैं फिर से एक बार, और बेस व्यू लेके इसको खत्म करते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड, यहाँ से लिया बेस व्यू, यहाँ से इसको रोटेट करा, इसको करा ओके, ठीक है। इसको कर दिया ओके, यहाँ से इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। इसको कर दिया ओके, चलो ये हो गया। अब अगर वापस मॉडलिंग में जाना है तो मॉडलिंग में जाने के लिए क्लिक करते हैं, ये देखो मॉडलिंग में गए, इसको कर दिया यहाँ से हाइड। इसको मैंने क्या सी वाई सी एस को मैंने हाइड कर दिया। फिर से ड्राफ्टिंग में जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट डी, ठीक है। यहाँ से ड्राफ्टिंग में चले गए, ठीक है। अब देखो अब देना है इसका प्रोजेक्टेड व्यू, तो प्रोजेक्टेड व्यू वाला ऑप्शन है ये रहा यहाँ पर, ठीक है। जो भी हमारे पास व्यू अवेलेबल है उस व्यू को उसने अपने आप सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर ये व्यू हमारे पास नहीं अवेलेबल होता तो दूसरा हम अपने हिसाब से सिलेक्ट करते। प्रोजेक्टेड व्यू पे क्लिक किया, यहाँ से इस पे सिलेक्ट व्यू पे क्लिक किया, ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, ये रहा इसका प्रोजेक्टेड व्यू, ठीक है। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ठीक है। चलो अब इसको करते हैं यहाँ से, तो ये हो गया। इसको राइट डबल क्लिक करते हैं, यहां से इसको करा डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद यहां पर जाते हैं इसके शेडिंग वाले ऑप्शन में, शेडिंग में जाके करते हैं इसको फुल्ली शेडेड, इसको कर दिया मैंने ओके, ठीक है। चलो उसके बाद है सेक्शन व्यू। इसका सेक्शन व्यू काटना है, सेक्शन व्यू काट देते हैं। देखो इसका सेक्शन व्यू काटने के लिए सेंटर में मैं सिलेक्ट करूंगा एक पॉइंट, देखो यहाँ पर सेंटर में, चलो यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, देखो ठीक है। इसको कर दिया मैंने सेंटर में से, ये देखो लाइन काट देगा, ये ऑब्जेक्ट को काट देगा पूरी तरह से, इसको कर दिया मैंने ओके, ठीक है। इसके हैशिंग पर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक नहीं, राइट क्लिक करके सेटिंग में गए, सेटिंग में जाके इसकी हैशिंग कर दी मैंने कम, इसको कर देते हैं 2, इसको कर दिया मैंने ओके, ठीक है।
यहाँ पर अगर फिर राइट क्लिक करके फिर सेटिंग में जाएंगे, देखो यहाँ पर हैशिंग हर मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। यहाँ पर जब पैटर्न होते हैं ना हैशिंग के, वो अलग अलग होते हैं हर मटेरियल के लिए, स्टील के लिए, ब्रास के लिए, रबर के लिए, जिसके लिए करना है। प्लास्टिक के लिए देखो मैं ये दे देता हूँ, अगर आपको ये वाली हैशिंग दिखेगी इसका मतलब समझ जाना कि वो जो मटेरियल वो क्या है, प्लास्टिक है। ठीक है, राइट क्लिक करके फिर से सेटिंग में जाते हैं। यहाँ पर अगर आपको इस तरह से 45 डिग्री के एंगल पे आपको यूनिफॉर्म लाइन दिखेगी, इसका मतलब समझ जाना कि वो स्टील है, आयरन है। ठीक है, राइट क्लिक करके फिर से सेटिंग में जाओ। देखो ब्रास और कॉपर के लिए अलग हैशिंग होती है। ब्रास और कॉपर के लिए हैशिंग कैसी होती है, देखो ऐसी। ठीक है, इसको राइट क्लिक करते हैं, इसको रहने देते हैं प्लास्टिक, चलो इसको आयरन की रहने देते हैं जनरल यूज के लिए। ठीक है, ठीक है, आया समझ में इतना? ठीक है, ओके, तनिष्क समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार फिर। ठीक है, चलो उसके बाद सेक्शन व्यू समझ में आ गया, सेक्शन व्यू कैसे काटा मैंने। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं डिटेल व्यू। डिटेल व्यू क्या होता है बेसिकली, अगर मान के चलो ये वाला कुछ पोर्शन है, ये आपको सही तरीके से नहीं दिख रहा और इसको आपको स्केल करके बड़ा करना है, कभी कभी आपने ड्राफ्टिंग देखी होगी तो स्केल करके बड़ा करना है, तो डिटेल व्यू पे क्लिक करा मैंने, यहाँ पर इसको मुझे बड़ा करना है, तो ये वाला पोर्शन है, जैसे इसको मुझे बड़ा दिखाना है ना, इसको बड़ा दिखाना है, तो इसको कर देते हैं क्लिक। यहाँ से मैंने कर दिया इसको 5:1 और इसको कर देते हैं, देखो ओके। ठीक है, ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। यहाँ पर लिख दिया ये जो है, ये है बी, बी का डिटेल पोर्शन है ना, ये रहा। इसका डायमेंशन देना है तो मैं इसका डायमेंशन दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो डिटेल व्यू है, डिटेल व्यू दो तरह से होता है, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर। तो रेक्टेंगुलर में अब रेक्टेंगुलर देना है किसी पोर्शन को, तो रेक्टेंगुलर दे देते हैं, देखो। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर निकल के आ गया। ठीक है, बाकी है तो डिटेल व्यू भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद है व्यू ब्रेक। अब किसी शाफ्ट की, मान के चलो हमारे पास कोई बहुत लंबी सी शाफ्ट है, ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर एक शाफ्ट बना देता हूँ, जैसे कि ये है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से इसको कर देता हूँ ऑफसेट। मान के चलो इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है, और इसकी लेंथ को मुझे उसके अंदर, शाफ्ट के अंदर दिखाना है। ठीक है, और ड्राफ्टिंग में आएगी नहीं इतनी लेंथ, बहुत ज्यादा बड़ी ड्राफ्टिंग के अंदर लेंथ नहीं आएगी, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, इसको कर देते हैं अपडेट व्यू। देखो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मुझे कम करना है, मतलब मुझे इसको हटाना है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से ब्रेक व्यू पे क्लिक किया, ठीक है, इस पे क्लिक किया, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, और यहां से ये सेकेंड पॉइंट, ठीक है, इसको कर दिया मैंने ओके। देखो अभी इसको मैंने यहां से हटा दिया, लेकिन उसकी लेंथ उतनी ही होगी, मतलब अगर मैं इसकी लेंथ अगर नापूं यहां से लेकर यहां तक की, इस पॉइंट से लेकर, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो लेंथ होगी वो इतनी होगी, भले ही इसको मैंने ब्रेक व्यू करके इसका डायमेंशन को कम कर दिया है, ठीक है, लेकिन दोनों की लेंथ कितनी होगी, दोनों की लेंथ होगी सेम, और यहां पर एक ब्रेक व्यू का निशान आ जाएगा, देखो। ठीक है, आया समझ में? चलो इसको कर देते हैं ओके, यहां से कर दिया डिलीट। चलो यहां से ये हो गया। उसके बाद है अपडेट व्यू। अगर मान के चलो कोई चेंजेस अगर आप मॉडल के अंदर करते हो, तो उसके लिए आपको उसको अपडेट करना होता है, जैसा कि मैंने अभी किया था, यहां से देखो इसको, अभी मैंने मॉडल के अंदर कुछ चेंज किया जाके, ठीक है, तो यहां पर ये मॉडल में दिखा रहा है क्या, लेकिन यहां पर बता रहा है देखो कि यहां पर चेंज हुआ है, लेकिन यहां पर नहीं बता रहा, क्यों, क्योंकि मैंने उसको अभी अपडेट नहीं किया,
जब मैं जो ड्राफ्टिंग के व्यू को जब मैं अपडेट करूंगा तभी उसको वो शो करेगा। ये देखो यहाँ अपडेट में जाओ, अपडेट में जाके इसको करो अपडेट। जब तो अपडेट करोगे देखो तभी ये इसको बताएगा जो भी हमने उसको उसमें अपडेट किया है। ठीक है, यहाँ से है रैपिड डायमेंशन, मतलब आपको अगर इसमें डायमेंशन देना है तो डायमेंशन के वाले ये वाले बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। तो डायमेंशन में रैपिड डायमेंशन पर डायरेक्ट क्लिक करता हूँ और इसको डायमेंशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, चलो देखते हैं इसका डायमेंशन क्या है। इसका 2 डिग्री है, मतलब इसका एंगल जो है ना वो 2 डिग्री है। ठीक है, चलो इसको एंगल दे देते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ से चलिए 1 मिनट, यहाँ से देते हैं इसको डायमेंशंस, ये डायमेंशंस। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो डायमेंशन है वो कितना है, ये डिग्री में है, तो मुझे पॉइंट टू पॉइंट डायमेंशन देना पड़ेगा। रैपिड डायमेंशन यहाँ से फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, यहाँ से देते हैं इसको डायमेंशन, डबल क्लिक करते हैं इसको, और डबल डबल क्लिक करने के बाद इसको क्या देते हैं, सिलेंड्रिकल, मतलब क्योंकि ये सिलेंडर है बेसिकली, सिलेंड्रिकल डायमेंशन होगा ना तो डायमीटर आएगा इसमें। ठीक है, चलो डायमीटर दे दिया। उसके बाद यहाँ से इसकी लेंथ देते हैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के, इसकी डिस्टेंस देते हैं कितना है, 9.5। ठीक है, सभी में कुछ ना कुछ ड्राफ्ट है, इस वाले पॉइंट से लेकर इसके सेंटर पॉइंट तक का डायमेंशन देते हैं, देखो 57.50, 45.7। ठीक है, उसके बाद फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डायमेंशन देते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब ये वाला डायमीटर, ये वाला जो होल दिख रहा है इसके होल को, होल का डायमेंशन देते हैं, देखो ये 1 और 2 कितना है, 9.9 है, मतलब कोई फिटमेंट का पार्ट होगा इसके अंदर, कुछ ना कुछ इसके अंदर आने वाला है। ठीक है, चलो इसको कर देते हैं। ठीक है, इसका दे देते हैं इसकी थिकनेस कितनी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी थिकनेस कितनी होगी। अभी एंगल बता रहा है 1 mm का इसमें ड्राफ्ट एंगल है, तो मैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस देख लेता हूँ, 2.9 है। ठीक है, यहाँ तक की इसकी लीनियर डिस्टेंस कितनी है, 6.7 है। ठीक है, आया समझ में, डायमेंशन प्रोवाइड करा रहे हैं हम लोग अभी। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हमारे पास है रैपिड डायमेंशन हो गया, नोट, चलो इसके अंदर कुछ नोट देना है, यहाँ पर क्लिक करते हैं। ठीक है, और कुछ नोट अगर यहाँ पर प्रोवाइड कराना है तो नोट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, यहां से इसको डॉट लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे कर देते हैं, यहां से बड़ा कर देते हैं इसको 10। ठीक है, क्लोज, यहां से कुछ सिंबल देना है आपको, सिंबल जो भी देना हो यहां से आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे कुछ सिंबल्स वगैरह कुछ प्रोवाइड कराना है इसके अंदर। ठीक है, ऐसे कर देते हैं यहाँ पर, ओके। ठीक है, देखो सिंबल्स वगैरह आ गए, ये कैटेगरी सिंबल्स वगैरह, अलग अलग सिंबल्स वगैरह इसके अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, जब आपको GDNT के बारे में पता रहेगा तब तो आप इनका इस्तेमाल करोगे, लेकिन अभी हम कंट्रोल फीचर फ्रेम जो इसके अंदर बनाएंगे ना वो चीज़ आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको डेटम देता हूँ, देखो ये वाला डायमेंशन है 9.9। ठीक है, 9.9 वाला जो सेंटर वाला एक्सेस है वो किसके परपेंडिकुलर होगा, इस डेटम के। यहाँ पर मैं इसको एक डेटम बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको बनाते हैं एक डेटम, यहाँ से करते हैं Ctrl Z, यहाँ से लिया एक डेटम, यहाँ से और डेटम, इस पर सिलेक्ट किया, देखो ये डेटम ए हो गया। इसको मैंने बता दिया कि ये डेटम है, ये ए डेटम है। ठीक है, इसके डायमेंशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिया कंट्रोल फीचर फ्रेम,
कंट्रोल फीचर फ्रेम लिया, फीचर कंट्रोल फ्रेम लिया, ठीक है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू दिस डायमेंशन 0.01, ठीक है, इसको कर दिया मैंने ओके। ठीक है देखो, टॉलरेंस कितना लिया मैंने, 0.0 0.1 लिया है, ठीक है। चलो यहाँ पर डेटम कौन सा लिया है मैंने, ए, ये रहा ए डेटम के साथ, ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है, इसको कर दिया मैंने ओके, इसके साथ लगा दिया मैंने। अच्छा, इसको अगर मुझे टॉलरेंस देना है, जैसे कि परपेंडिकुलर वाला निशान दिया है, लेकिन इसके डायमीटर को अगर मुझे टॉलरेंस देना है, तो डबल क्लिक किया इसके ऊपर, ठीक है, डबल क्लिक करने पर यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, ये देखो, ये रहा टॉलरेंस का, ये रहा ऊपर, इसमें दिया बायलेटरल, इक्वल बायलेटरल टॉलरेंस देना है मुझे, ये दे दिया 0 प्लस माइनस 0.1, देखो ठीक है, दे दे डायमेंशन। चलो इसको देना है मुझे प्लस में, इसको मुझे बायलेटरल नहीं, दूसरा देना है कुछ, देखो इसको बायलेटरल टॉलरेंस ये वाला देते हैं, ठीक है, यहां पर इसको मुझे प्लस में देना है 1 और माइनस में मुझे इसको देना है 0, इसको कर दिया मैंने ओके। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जो इसकी लेंथ है 9.5 के, प्लस में 0.1 तक हो, लेकिन 0 माइनस में वो 0.0, मतलब 9.5 हो, 9.5 इस 9.5 के नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है, आया समझ में, फीचर कंट्रोल फ्रेम समझ में आ गया। फिर से डबल क्लिक करके देखो, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मुझे सर्कुलरिटी वाला लेना है, तो सर्कुलरिटी वाला लेकिन मुझे अलग से शो करना पड़ेगा, फिर से मैं लेता हूँ, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर ये डायमेंशन है, ठीक है, ये डायमेंशन, चलो यहाँ पर एक और दो डायमेंशन, ये वाला हो गया और ये वाला बाहर वाला डायमेंशन हो गया, ठीक है, फ्रॉम सेंटर टू सेंटर कितना हो गया 15.5, ठीक है। अंदर वाले को मैं एक डेटम दे देता हूँ, ये अंदर वाले फेस को मैं क्या कर देता हूँ, एक डेटम दे देता हूँ, ठीक है, कर देते हैं ओके। इसको कर देते हैं बी, ठीक है, बी डेटम दे दिया। अब इस डायमेंशन में देते हैं, यहां पर जाते हैं, इसको क्या करना है मुझे, सर्कुलरिटी, मतलब 15.5 क्या है, 1 मिनट, 15.5 जो रहेगा वो क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रिक रहेगा विद दिस डेटम, विद दिस फेस, ठीक है। तो यहां पर जाते हैं, यहां से लेते हैं कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिसिटी 0.01, टॉलरेंस और कम देना है तो 0.05, 50 माइक्रोन देता हूं विद डेटम बी, ठीक है, जरूरी होता है ऑफ कोर्स। देखो बेसिकली डेटम, जो डेटम प्लेन जो, ये तो डेटम देते हैं ना हम लोग, ये डेटम दिया हमने बी, ये डेटम ए दिया, मतलब ये रेफरेंस के लिए देना पड़ता है हमको, ये ऐसा रेफरेंस कि आपको बताना पड़ेगा कि किस फेस के साथ आपको परपेंडिकुलर करना है। जैसे कि मैं अगर बोलूँ ये वाली एक्सेस है, ठीक है, ये एक्सेस है ना, ये वाली सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन इस फेस के क्या होगी, मतलब ये वाला जो डायमेंशन होगा, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो डायमेंशन है, तो ये यहां से ये वाला डायमेंशन, तो ये डायमेंशन इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये हमको बताना पड़ेगा कि ये इसके परपेंडिकुलर है। अगर मान के चलो, अगर ये हम लोग नहीं बताएंगे तो ये एंगल में भी तो आ सकता है कि नहीं, अगर वो एंगल में आ जाएगा तो फिर क्या होगा, वो चीज एंगल में आ जाएगा तो फिटमेंट ही नहीं होगा, उसका जो मेल या फीमेल पार्ट है वहां पर वो फिटमेंट ही नहीं होगा, ठीक है। इसको टॉलरेंस देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ना कि 62.5, जैसे कि मान के चलो कि ये डायमेंशन है 45.7 है, तो मुझे इसको यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस शो करने पड़ेगी कि 45.7 तो है, लेकिन इसका टॉलरेंस कितना है, इसका टॉलरेंस होगा प्लस माइनस में 0.05 ले लेते हैं, देखो
ये देखो, मतलब 50 माइक्रोन के अंदर मुझे चाहिए ये वाला डायमेंशन, मतलब प्रिसीजन वाला डायमेंशन है, कि नहीं? तो उसके लिए फिर वो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले उस हिसाब से वो उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ताकि उनको पता चल जाए कि हाँ ये डायमेंशन प्रिसीजन वाले हैं। अगर नॉर्मल रफिंग वाले डायमेंशन होंगे तो वो ऐसे ही मशीनिंग कर देंगे नॉर्मल टूल से, है कि नहीं? चलो इतना समझ में आया, ठीक है। फीचर कंट्रोल फ्रेम समझ में आ गया, डेटम फीचर सिंबल समझ में आया, डेटम जो मैंने अभी बना के दिखाया आपको, डेटम, ठीक है। बलून, बलून किस लिए होता है? वो डिटेलिंग करने के लिए। अगर आपको डिटेलिंग देना है ना किसी को, तो आप उसको डिटेलिंग दे दो। जैसे कि मान के चलो कि ये डायमेंशन बताना है आपको कस्टमर को, कि आपका जैसे कि सबको डायमेंशन का नाम दे दो, नंबर दे दो, ठीक है। जैसे कि ये एक डायमेंशन, ठीक है, ये दो डायमेंशन, ये तीन डायमेंशन, ठीक है, ये चार डायमेंशन, ये वाला चार डायमेंशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सभी डायमेंशन का कुछ नंबर दे दिए, तो कुछ नंबर देने से क्या होगा कि जब आप किसी कस्टमर से अगर फोन पे बात कर रहे हो, तो वो उनके हाथ में अगर ड्राइंग है, तो आप उनको बोल सकते हो कि सर चार नंबर डायमेंशन में देखो, चार नंबर डायमेंशन में आपको कुछ वैल्यू दिख रही होगी, उसमें टॉलरेंस को चेंज कर दो। मान के चलो आपके साथ कुछ गलती हो गई, तो आप वो पेन से रिटर्न करेगा, वहां पर लिखेगा, है कि नहीं? तो बोलेगा भले एक काम करो सर, उसको आप वन कर दो, ठीक है। बोलेगा ठीक है, वन कर देता हूँ, ठीक है। तो आप उसको बता सकते हो ना कि करना क्या है उसमें, कैसे क्या करना है। तो उसमें आप नाम दे सकते हो हर डायमेंशन का, नंबरिंग कर सकते हो उनको, ठीक है, इजी अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके बाद है इमेज, इमेज लेना है आपके पास। अगर कोई इमेज अगर अवेलेबल है पहले से, तो इमेज ले लो। यहाँ पर हमारे पास इमेज वाला ऑप्शन है, यहाँ से मैंने इसको ले लिया, इसका टूल बनना है फॉर एग्जाम्पल, ये टूल, ठीक है। यहाँ पर इसको इमेज को क्लिक कर दिया और यहाँ पर ओके कर दिया, ठीक है। ये देखो इमेज ले लिया, इसको भी प्रिंट करना है, साथ में प्रिंट कर देना इसके साथ ही, ठीक है। सेंटर मार्क, सेंटर मार्क चाहिए तो यहाँ पर लिया, पहले लेते हैं 2D सेंटर लाइन, ठीक है। दो लाइन के बीच में, दो कर्व के बीच में आपको क्या चाहिए? सेंटर लाइन, देखो सेंटर लाइन बन गई, ओके कर दिया। यहाँ से इसके और इसके बीच में सेंटर लाइन चाहिए, ओके कर दिया, ठीक है। इसके और इसके बीच में चाहिए, सो ये बन गया। फिर इसके और इसके बीच में चाहिए, देखो ये भी सेंटर लाइन बन गई, ठीक है, इसको कर दिया मैंने ओके। इन दो इनके बीच में डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे दो, देखो वन और टू, कितना एंगल देख लेते हैं, वन और वन डायमेंशन क्यों नहीं आ रहा, 1 मिनट, ठीक है। इनके बीच का एंगल देना है, हो एंगल दे दो, ठीक है। सेंटर लाइन को बनाने के लिए आपको सेंटर मार्क का 2D सेंटर लाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अगर आपको किसी सर्कुलर का सर्कल का सेंटर चाहिए, तो एक काम करते हैं, मैं एक सर्कल को क्रिएट कर देता हूँ, ये सर्कल क्रिएट हो गया, इसको कर दिया मैंने फिनिश, ठीक है। इसका सेंटर मार्क चाहिए, तो यहाँ से क्लिक किया सेंटर मार्क, और इस पर क्लिक करा डायरेक्ट, तो सेंटर मार्क आ गया। ठीक है, डबल क्लिक करके इसको डिलीट कर दिया, चलो यहाँ पर है। उसके बाद हैश, ठीक है। किसी पर्टिकुलर सेक्शन को अगर हैश करना है आपको, जैसे कि यहाँ पर है, इसको अगर हैश करना है, उसे जरूरत नहीं पड़ती है इसे हैश करने की, लेकिन फिर भी अगर किसी को करना है तो आप हैश कर सकते हो। देखो यहाँ पर इसको तो नहीं कर पाएंगे, देखते हैं किसको कर सकते हैं। यहाँ पर हैश का एरिया, ठीक है, ये बन गया एक एरिया, इसको हैश करना है, इसको कर दिया मैंने ओके। देखो ये हैश हो गया, मैं सेटिंग में जाते हैं, हैश को कम करते हैं, टू, ओके, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पर स्केचिंग इन ड्राफ्टिंग, ठीक है, ड्राफ्टिंग के अंदर अगर आपको स्केचिंग करना है तो स्केचिंग वाले ऑप्शन खुल जाता है, जैसे आप किसी एक कमांड पे क्लिक करोगे तो स्केचिंग, जो आप नॉर्मल स्केचिंग करते हो ना, तो वो स्केचिंग आप ड्राफ्टिंग में डायरेक्ट कर सकते हो। देखो ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट ड्राफ्टिंग अगर इस तरह से बनाना है किसी चीज के लिए जो अवेलेबल नहीं है, तो आप डायरेक्ट ड्राफ्टिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से टी, ठीक है, ऐसा कर दिया। यहाँ पर इसके सेंटर मार्क देना है, देखो सेंटर मार्क दे देते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, सभी कमांड्स की एक बार प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। ठीक है, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। ठीक है, ठीक है, उसके बाद पार्ट लिस्ट और एंड सेटिंग, ये पार्ट लिस्ट और एंड सेटिंग मुझे याद दिलाना, पर सॉरी पार्ट सेट लिस्ट वाला जो याद दिलाना मुझे, जब असेंबली आपको बताऊंगा तो असेंबली के दौरान पार्ट लिस्ट ड्राफ्टिंग में बन जाती है। ठीक है, बेसिकली असेंबली की होती है पार्ट लिस्ट, असेंबली में आप कोई भी बहुत सारे पार्ट्स बनाते हो ना, तो डायरेक्ट आपको उसकी लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी जितने भी पार्ट्स होंगे। ठीक है, ये उसमें एडिट सेटिंग, एडिट सेटिंग क्या होती है कि किसी भी डायमेंशन को आप एडिट कर सकते हो, जैसे कि मान के चलो कि मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, सभी डायमेंशन को क्लिक करता हूँ, ये डायमेंशन हो गए, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए करा, देखो सभी डायमेंशन सिलेक्ट हो गए। ठीक है, अब एक बार में इनको सबको एडिट करना है, तो एडिट सेटिंग में गए। ठीक है, यहाँ पर इनके लाइन एरो चेंज करना है, जैसे कि इनके लेंथ विड्थ बढ़ानी है, मुझे एक काम करना है इसको 10 करना है, 10 कर दिया, देखो सबके एरो चेंज हो गए। ठीक है, अब इसके एरो एरो के साथ साथ एक से एक काम, टेक्स्ट में जाते हैं, इसके डायमेंशन को चेंज करते हैं, 10 डायमेंशन भी चेंज हो गए सभी एक बार में। ठीक है, कोई दूसरी भी चीज चेंज करना है तो वो चेंज कर लेते हो, एरो हेड एरो लाइन कोई चीज चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हो, तो इंपॉर्टेंट चीज एरो हेड और यहाँ पर आपके डायमेंशन होते हैं, इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, नहीं करना है तो कंट्रोल जेड कर दो। ठीक है, किसी भी डायमेंशन के ऊपर डबल क्लिक करोगे ना, डबल क्लिक करोगे तो सेटिंग बॉक्स खुलेगा एक। ठीक है, यहाँ से आप क्या दे सकते हो, प्रिसीजन में पॉइंट दे सकते हो, डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, जैसे कि डेसिमल पॉइंट मतलब अभी कितना था, यहाँ पर देखो 0.4 था ना, इसके आगे अगर कुछ और वैल्यू भी है तो वो भी इसको शो कर देगा। 3 पॉइंट लेना है, देखो इसके आगे और जो वैल्यू है वो भी शो कर दी उसने। 4 लेना है, इसके आगे कोई वैल्यू रहेगी तो वो भी शो कर देगा, देखो। ठीक है, आपको कितने पॉइंट डेसीमल तक चाहिए, 1 डेसीमल तक चाहिए या 2 डेसीमल तक चाहिए, वो ले लो और इसको ओके कर दो। यहाँ से इसको ले लिया, टॉलरेंस S7 लेना है तो S7 को डायरेक्ट सिलेक्ट कर दो, देखो S7 डायरेक्ट आ गया। ठीक है, आया समझ में? ठीक ठीक है, यहां पर कोई अभी आपको डाउट है इतने कमांड में, कहीं पर अभी डाउट नहीं आएगा, डाउट आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, है ना? GDNT को एक बार, ये वाले वीडियो को जो मैंने आपको आज बताया है ना, इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना, जरूर देख लेना। ठीक है, इसमें हाँ, क्योंकि इसमें आपको टॉलरेंस वगैरह और ये सब चीज़ें थोड़ा सा समझोगे तो, और अगर आपको नहीं समझ में आता तो फिर मैं एक बार और फिर और समझा दूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करें हम लोग, चलो प्रैक्टिस कर लेना इसको, ठीक है, एक बार, चलो ओके।